अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, किसी भाई साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा जी कि हेलो सर जी, मेरे को NHS का नंबर है और इसके अलावा मेरे पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी है, तो क्या मैं अपनी सेटलमेंट जो है वो मैं ले सकता हूँ? तो चलिए, ये पहले तो आप ये सराउंडिंग देखें, बड़ी खूबसूरत है जी। ये देखें डक्स जो है, पहले तो मज़ेदार सीन वहा दिए, फिर तो दसने हैं कि सेटलमेंट जड़ी है ना वो किमें लैनी है। सो देखिए, ये जो NHS का नंबर होता है या नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, ये दो चीज़ें हैं। ये इसका सेटलमेंट से टेक्निकली तौर पे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो तब भी तो आप NHS आपका रजिस्टर्ड होता है, तब भी आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है। जब आप किसी और वीज़े पे आप आए होते हैं, सो तब भी आपको सिवाए विजिटर वीज़ा के अलावा बाकी किसी भी वीज़ा में जो है वो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर और NHS जो है मिल जाता है। लेकिन क्या उसका सेटलमेंट से ताल्लुक बनता है कि नहीं बनता, इस डिपेंड ऑन योर वीज़ा जो है कि आपके पास कौन सा वीज़ा है और क्या वो वाला वीज़ा जो है वो सेटलमेंट पे जाता है कि नहीं जाता। सो मुझे चूंकि अभी पता ही नहीं है कि आपके पास फैमिली वीज़ा था, आपके पास स्टूडेंट का वीज़ा है, आपके पास स्पाउस वीज़ा है, सो ये आप सेटलमेंट जो है ये आपके वीज़े पे डिपेंड करेगा जी। दुआ में याद रखिएगा, चेक केयर, बाय फॉर नाउ।